मूवी बहुत अच्छी है, देखने में लगा विकी कौशल की एक्टिंग बहुत अच्छी लगी। उरी के बाद जब देखा तो उरी के बाद जब सेकंड मूवी ये देखने को अच्छी लगी। विकी कौशल का काम इस टाइप की मूवी में, देशभक्ति की मूवियों में ही अच्छा लगता है। तो ये भी जो है सच्ची घटनाओं पर आधारित है, ये ट्रू स्टोरी है, तो देखने में बहुत अच्छा लगा और विकी कौशल की एक्टिंग बहुत अच्छी लगी। विकी कौशल ने अपना कैरेक्टर अच्छे से प्ले किया। हाँ, विकी कौशल ने अपना कैरेक्टर बहुत अच्छे से प्ले किया है। उनका कैरेक्टर वो दिखाएं तो डायरेक्टर का काम होता है वैसे तो, दिखाएं तो वो अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं वो। और उरी में भी उनका जब काम देखा था तो बहुत अच्छी लगी थी। अच्छा, विकी कौशल को हम देखते हैं कि आमतौर पर वो कॉमेडी फिल्मों में ज्यादा नजर आते हैं, तो क्या लगता है उन फिल्मों में वो ज्यादा बेहतर सूट होते हैं या ऐसी फिल्में करनी चाहिए? नहीं नहीं, उनको ऐसी फिल्में करना चाहिए क्योंकि वो ऐसी इतनी अच्छी नहीं, जरा अटके जरा बचके उन्होंने जैसे बच्चे बनाई है तो इतनी कहाँ खास परफॉर्मेंस रही है। बाकी उरी जैसी मूवी उन्होंने जब बनाई है तो वो देश में भी चली है और उनका नाम भी हुआ है, अवार्ड काफी लेके गई है, तो फिर ऐसी मूवियों में उनको जब सफलता मिल रही है तो उनको ऐसी मूवी ही करना चाहिए। क्या लगता है इस फिल्म के लिए अवार्ड्स ले सकते हैं? हाँ बिल्कुल, मिलना चाहिए। ट्रू स्टोरी भी बेस्ट है और इंडिया पाकिस्तान का कुछ बताया उसमें, तो वो जाना चाहिए। अच्छा, विकी कौशल का ट्रांसफॉर्मेशन कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, लुक वगैरह थोड़ा बढ़िया है, न्यू है, ठीक है। बोर करती है फिल्म पे? बोर तो नहीं कर रही है, हाँ, लेकिन जो है टीनेजर को भले ही बोर कर सकती है लेकिन जो अपने एज के हैं तो जाना चाहिए। अच्छा, एनिमल के साथ क्लैश हुआ है फिल्म का, तो क्या लगता है फिल्म टिक पाएगी बॉक्स ऑफिस? इतना तो नहीं टिक पाएगी, आप देखते हैं चलती है कि नहीं। 5 में से कितने स्टार्स हैं? 4।